हेलो गाइस, आज देखिए हम लोग आपको माउथ स्प्रे बनाने का एक घर पे विधि बता रहे हैं, जो इन वस्तुओं को ज़रूरत होता है। जैसे कि पहले डब्बा में कलर हो गया, मैं खाली डब्बा लिया, एक गिलास लिया, और ये माचिस का डिब्बी, और ये एक टेप, जो कोई भी टेप हो आप लगा सकते हो इसमें यूज। और हम ये माउथ स्प्रे है, इसका हम बाद में बताएंगे, है ना, जो हम लोग खरीद कर लाए हैं वो है, उसको इधर रख देते हैं। अब देखिए हम लोग दो पेन लेते हैं उसी टाइप से, ये देखिए सेम वही क्वालिटी है। आप कोई भी पेन का यूज कर सकते हो, नॉर्मली कोई भी, लेकिन हम दो पेन हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग उसी का इस्तेमाल कर लिए। देखिए इतना सारा वस्तु हमें माउथ स्प्रे बनाने में घर में एक ज़रूरत पड़ेगा, इतना नहीं पड़ता है, बट ये आपको बताने के लिए रखा गया है। और उसके बाद देखिए मैं ये दोनों पेन का माउथ स्प्रे किस तरीक़े से बनाऊंगा। देखिए एकदम सरल है, इजी है, आप इसे आराम से देखिए और समझिए, ठीक है ना दोस्तों, अच्छे से देखना। देखिए ये पेन है, और ये पेन अभी न्यू है, उसको सिर्फ ये देखिए, तो मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, ये भी सेम है। तो हम लोग आपको बताने के लिए सेम कंडीशन का दो पेन लेते हैं, जब दुकान में जाओगे तो पेन खरीदोगे तो सेम ही पेन मिल सकता है उस लिए। तो देखिए ये देखिए मैं इसको दोनों तरफ से निकाल दिया, देखो ये देखो इसका एक टाइप ये काला साइड है, वो थोड़ा छोटा रहता है पीछे साइड, और थोड़ा सा मोटा रहता है, है ना, मोटा रहने का मतलब है उसका होल होता है वो बड़ा रहता है। ये देखिए ये नीला कलर का, एक पतला है एक मोटा है एक साइड, ठीक है दोस्तों, ये देखिए सेम हो गया, देख लीजिए अच्छा से, और आपको अमेजिंग जादू से लगेगा, उस लिए मैं बता रही है माचिस। हम इसको माचिस में अच्छे से बांध देंगे इसको, और टेप से, है ना, अच्छे से चिपका देंगे, उसके बाद ये वर्क करेगा, देखना। ये लाइव वीडियो है मेरा, देखिएगा, आपको इसमें पूरा से पूरा पता चल जाएगा कि ये माउथ स्प्रे वर्क करता ही है। सभी लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि वर्क नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे, वर्क करेगा ही करेगा, डिपेंडली वर्क करेगा, देखना। अभी इसको इस टेप से बांधना है ना, तो बांधने से पहले हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से रखना है, नीचे वाला को एक और उसके ऊपर में एक, तो ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा साइड वाला रहेगा, देखिए पीछे साइड वाला बड़ा रहता है और उसके सामने लिखने वाला छोटा रहता है, क्योंकि वहाँ पर रिफिन निकला रहता है, इसलिए उसका होल छोटा रहता है, तो उस टाइप से है। तो देखिए इस टाइप से उसे पकड़ लेना है, पहले ही प्रेस्टिक करना है, चला जाए तो ही बनाना है, लेकिन बनेगा ही बनेगा, मैं कई बार बना चुका हूँ, कई प्रकार यूज कर चुका हूँ, बड़ा छोटा, है ना। तो देखिए आइए चलते हैं हम लोग अब एक दीवार के पास, है ना। तो देखिए इस टाइप से है, तो एक को पानी में डालता हूँ, पानी में नीचे साइड को पानी में डालता हूँ, ऊपर साइड को ऊपर में रखता हूँ, है ना, मतलब लिखने वाले को ऊपर में रखता हूँ। देखो इस तरीके से पकड़ लेते हैं, उस गिलास में पानी है और कुछ नहीं है, देखिए ये पीछे साइड वाले को सामने में रखता हूँ, दोनों का ज्वाइनिंग ऊपर नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा बीच में, एकदम बीच में भी नहीं। अब देखिए फूंकता हूँ मैं, देखो वर्क किया, गीला हुआ दीवार, ये देखो आपको अमेजिंग लग रहा है कि कलर किस टाइप से जा रहे हैं, लेकिन ये जाता है दोस्तों, आप मेरे पर विश्वास कीजिए, मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखिए किस तरीके से बनाना है, मैं और बताता जाऊँगा। तो देखिए आइए अब इसे हम बांधते हैं, है ना, टेप से अच्छा से चिपका कर बनाते हैं, जो आपको बनाना है उस टाइप से। मेरा क्या है, मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं उसको ज़्यादा टेप नहीं लगा रहा हूँ, है ना, तो टेप को इस तरीके से निकाल दे रहा हूँ। देखिए आज ही मुझे एक लड़का पूछा कि मेरे नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, तो उसको मैं लाइव वीडियो बनाया, फिर इसका यूट्यूब में मैं डालने के लिए भी बनाया, तो इसको मैं उसको लाइव वीडियो कॉलिंग में बताया, फिर वो बनाया, उसके बाद उसका भी वर्क किया, तब वो बना रहा होगा, है ना। तो मेरा वीडियो देखिए, इस टेप से मैं इसको अच्छे से लगा लिया, लेकिन आप उसे अच्छा से टेप मार लेना, है ना, क्योंकि आपको सेफ्टी से रखना है। तो देखिए उसके नीचे में एक और लगा दूंगा मैं, देखिए। तो आप इसे माचिस ही यूज ना करें, आप कई प्रकार के कुछ भी यूज कर सकते हो, जो उसे चिपका कर रखने के लिए है, कुछ भी उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है, आप उसको उसमें चिपकाना चाहिए, दोनों सिरा को ज्वाइन करना है, बस उतना चाहिए। देखिए तो मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसको टेप लगा रहा हूँ, बस मुझे आपको बताना है, फिर से कलम का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं उसको अच्छा से नहीं बांधा, है ना। तो टेप चिपक गया, देखिए उससे अच्छा से वहाँ को ज्वाइनिंग करा देते हैं, बिठा देते हैं, है ना, देखिए
किस तरीक़ा से उसे मैं लगा रहा हूँ दोनों को उस साइज में, देखिए कैसे रहता है इस टाइप से आप उसे लगा सकते हो, है ना दोस्तों। तो आप चलते हैं उसे लाइव हम लोग दिखाने के लिए कि वर्क करता है या नहीं। तो देखिए बन गया हमारा माउथ स्प्रे। ये पानी से पहले ट्राई कर लेते हैं, पानी वर्क किया, देखो आपके सामने। इसमें और कुछ मैं पाइप वगैरह मशीन नहीं लगाया हूँ। तो देखिए दोस्तों अब ये हम कलर है, ये हमारा हरा कलर का फ्लोरोसेंट घुला हुआ है जिसे हम लोग शादी में पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरोसेंट वही है, उसे हम डब्बे में रखते हैं, जो बच जाता है उसको डब्बे में डाल देते हैं क्योंकि दूसरे घर में काम आ जाएगा, फेंकते नहीं हैं। देखिए अब उसे मैं एक डब्बे में डाल रहा हूँ, देखिए ये है फ्लोरोसेंट कलर, हमारा फ्लोरोसेंट कलर है। देखिए सारे को मैंने कलर को नीचे डाल दिया हूँ, देखिए हरा कलर में दिख रहा है, ये कलर ही है और कुछ नहीं है, हमारा फ्लोरोसेंट कलर ही है। तो देखिए माउथ स्प्रे को एक को नीचे में डाला और ये फूकने वाले को मुंह में डालूंगा और फूकूंगा, है ना। ये देखिए किया वार का कलर आया, आया ना। तो वैसे चीज है ये दीवार ना इवेंशन से वर्क हो चुका है, वहाँ को कलर किया गया है उसलिए उतना लाइट नहीं दिख रहा है, चूना वगैरह में ये ज़्यादा चमक रहता है। देखिए वर्क किया हमारा माउथ स्प्रे, ये काफ़ी है, आप बनाकर इसे भी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कलम को मैं साफ कर रहा हूँ उसलिए उसको मैं स्प्रे किया, देखिए मतलब ये कलम सादा हो गया, देखो उसमें नीला हुआ था वो अब डिफरेंटली हो गया, साफ़ हो गया। तो अब इसे मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि इस कलम को मैं अभी यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो माउथ स्प्रे है तो मैं इसको क्या करूँगा, है ना। तो ये देखिए तो मैं इस कलम को निकाल दिया और इसमें रिफिन डाल दिया, ये फिर हमारा कलम काम करने योग्य हो जाएगा, उसलिए इसे हम रख देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, फिर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी परेशानी हो तो पूछ सकते हो। और आपको मैं क्या बताऊँ, हाँ तो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वॉच टाइम पूरा पूरा देखिए, बिना स्किप करके देखते हो आपको वीडियो समझ में। देखो ये हमारा वही माउथ स्प्रे है जो रेडीमेड है, वो इस टाइप से आगे पीछे हो सकता है, उसलिए इसको हम लोग खरीदते हैं। इसका वर्क देखिए, ये भी सेम वैसे ही वर्क करेगा, बस ये पतला है और छोटा है। ये देखिए सेम वैसे ही वर्क करता है, बस उसका आकार बड़ा है, ये छोटा है, तो उसमें ज़्यादा कलर भी जाता है और ज़्यादा बड़ा भी होता है। ये बनाने वाला है रेडीमेड, तो ये इसको भी साफ़ कर देते हैं। देखो ऐसे पानी मार दो अंदर साफ़ हो जाता है, या तो पानी में डालकर धो लो, तो मेरे पास उतना पानी नहीं था तो मैं गिलास का पानी में ही धो दिया। अब इसे मैं इसने डब्बे में रख देता हूँ। तो दोस्तों इस टाइप से हमारा वीडियो बना, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, आगे वीडियो आता रहेगा।